फैयाज फैजी साहब ने बिहारी और लीची का जिक्र किया। आज से 10 दिन पहले मैं छुट्टी लेके, आपको मालूम है कि मीडिया में छुट्टी जल्दी मिलती नहीं है, छुट्टी लेके मैं मुजफ्फरपुर में लीची खा रहा था, लीची और आम का मज़ा ले रहा था। उसी दौरान अचानक फिरोज अशरफ साहब का फ़ोन आ गया। इन्होंने समझा कि मैं बिहार, यहाँ बॉम्बे में ही हूँ। इनको पता नहीं था कि मैं लीची का मज़ा ले रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भाई कहाँ हो? मैंने बताया तो मैं तो बिहार में हूँ, अपने गांव में बल्कि ससुराल में था। और ससुराल में जाहिर सी बात है, आप जो लोग ससुराल का मज़ा ले चुके हैं उनको पता होगा दामाद की कितनी खातिर होती है। ज़बरदस्ती हुई बिहार में, बिहारी ससुराल तो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है और उसके बाद फिर हाजमा भी दे दिया जाता है। वो पेट खराब हो गया तो फिर डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया जाता है। तो लगभग वही सूरत हाल थी। लेकिन उन्होंने कहा, अब सवाल ये है कि फिरोज अशरफ साहब से इतनी मोहब्बत है और इतना लगाव है कि इनकी बात को ना नहीं किया जा सकता। मैंने कहा लीची फिर ज़िंदगी रहेगी तो फिर लीची खा लेंगे। चलो, इनकी किताब का इजरा है और इनकी किताब के बारे में, इनकी बेटी की किताब के बारे में उस सिलसिले में और लोगों से बात करने का मौका मिलेगा तो मैं यहाँ हाजिर हो गया। जिस बात की तरफ इशारा किया जावेद आनंद साहब ने और उससे पहले फिरोज अशरफ साहब ने जो बात बताई, बिल्कुल ये सच है कि मीडिया में हमेशा अक्सर जो है जो लोग पावर्स में हैं, जो स्टॉक होल्डर्स कहा जाता, बल्कि वो रियल स्टेक होल्डर्स नहीं है, दो द रियल पीपल दो हैव द स्टेक होल्डर्स टू एंड दे आर मोर इम्पोर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा वो प्रेसिडेंट्स की, प्राइम मिनिस्टर्स की और सेक्रेटरी के लेवल की बातें करते हैं। उन लोगों की बात नहीं होती है जो आम जिंदगी में आम जैसे लोग हैं और जो हमारे जैसे ही हैं। अभी हाल में एक मीडिया का डेलीगेशन कुछ दिन पहले बॉम्बे प्रेस क्लब से गया था कराची करीब 10 दिन के लिए, और उसके एक्सचेंज में कराची प्रेस क्लब का एक मेंबर आया था। इत्तफाक से वो टाइम्स ऑफ इंडिया भी आना चाह रहे थे तो लोग आए और हम लोगों से इंटरेक्शन हुआ वहाँ। उसके बाद फिर लंच भी हुआ। इंटरेक्शन में एक ख़ास बात ये रही कि लोगों ने बिल्कुल फ्री हो करके, खुलेआम जो है बिल्कुल खुल करके बातें की और उसमें तजुर्बा अपने अपने क्या फील करते हैं तो कहा गया, मुझसे शेयर करने के लिए कहा गया। चूंकि मैं फर्स्ट जो डेलीगेशन यहाँ पर, जतिन भाई थे पता नहीं अभी कहीं है चले गए, जो डेलीगेशन गया था उसमें मुझे भी चुना गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं जा सका, तो ये अलग बात है। लेकिन मैंने जो बात की उसको मैं दोहराना चाहूँगा। ये आम तौर पे ये है कि ये तजुर्बा होगा उन लोगों का जो पाकिस्तानियों से मिलते हैं, और जब कोई हिंदुस्तानी मुसलमान जाता है, पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी मुसलमान से मिलता है, मुझे पता नहीं फिरोज अशरफ साहब से उस वक्त में ये बात कही गई कि नहीं, लेकिन मुझसे जरूर कई बार, कम से कम सऊदी अरब में, यूनाइटेड स्टेट्स में और एक दो और जगह कहीं मिलने का मौका मिला। हाँ, तो इन जगहों पर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अच्छा आप हिंदुस्तान में हैं और मुसलमान हैं, किस हालत में हैं। गोया ये कि एक पाकिस्तानी ने जैसे सेम तजुर्बा बताया कि जब वो पहली बार हिंदुस्तान आया था तो लोगों ने उनका बदन छू छू के देखा था कि वाकई ये सही मानों में ये गोश्त का और ये हड्डी का ही बना हुआ इंसान है, कोई अजीब इंसान है। गोया ये कि कोई अजीब आदमी हो गया हो और किस हालत में है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान बड़े अच्छे हालत में है, आप कोशिश वहाँ जो पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी कीजिए, उनकी फिक्र ज़्यादा कीजिए। क्योंकि जब जुमा की नमाज के लिए मैं निकलता हूँ तो मेरी माँ दुआ नहीं मांगती कि मेरा बेटा खैरियत से आएगा कि नहीं आएगा, और ये नहीं कहती कि बेटा ठीक ठाक से चले जाना नमाज पढ़ के। लेकिन वहाँ की हर माँ लगभग जो है ये हालत हो गई है। मैं माफ़ करता हूँ फिरोज अशरफ साहब, मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूँ, लेकिन सूरत हाल जो आप बता रहे हैं वो भी है, लेकिन एक दूसरी सूरत हाल भी है कि पाकिस्तान बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहा है। और ये दौर जो गुजरा है, जो इस्लामोफोबिया, इसको ढकने छुपने की बात नहीं है, दिस इज ओपन एंड दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन। वी मस्ट डिस्कस दिस एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट द वहाबी इस्लाम हैज इंटर्ड पाकिस्तान इन अ वेरी बिग वे एंड इज डैमेजिंग पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का एथिक्स था, जिस चीज़ पे जिन्ना साहब ने वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात की थी कि कैसा पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि वो चीज़ें जो आ रही हैं, जो बुराइयां फैली जा रही है, और जिस तरह से जो आप बसंत पंचमी की बात करते हैं, आप वहाँ की साड़ी की बात करते हैं, जो सिर्फ फतवों की बात नहीं है, बल्कि अगर सलमान तासीर जैसे लोग जो
ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बोलने वाले हों और उनका कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ उनका कसूर यही है कि वो कह रहे थे कि ब्लास्फेमी में जो बातें हैं उनको जो है वो सही ढंग से ठीक किया जाए और उसके कातिल की पजीराई की जाए, उसका जश्न मनाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो इस तरह के कातिल के कोई हिम्मत बढ़ा रहा हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जिस तरह से आपने ये बियॉन्ड बॉर्डर्स लिखा है उस तरह से ये एक्सट्रीमिज्म का जहर, एक्सट्रीमिज्म का जो पॉइजन है वो भी कोई बॉर्डर नहीं समझता। वो अगर पॉइजन वहाँ है तो यहाँ भी आएगा, ये पॉइजन अगर यहाँ है तो बांग्लादेश भी जाएगा, तो ये पॉइजन को आने में देर नहीं लगेगा। इसलिए जिस तरह के इस्लाम को वहाँ फैलाया जा रहा है और खामोश तमाशाई एक तरह से बने हुए हैं, बल्कि उसका इंडोर्समेंट होता है, सपोर्ट होता है स्टेट की तरफ से, जो सपोर्ट हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग दे रहे हैं, जो यहाँ के फंडामेंटलिज्म है, जो यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट व्यू के लोग हैं, उनको अगर स्टेट के लेवल से आप इंडोर्समेंट देंगे, उसको अगर इंकरेज करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम और आप बहुत खतरे के रास्ते पर हैं। फिर वो जिस तरह का पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, जिस तरह का हिंदुस्तान का ख्वाब देखा गया था, जो मल्टी कल्चरल, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क को अगर आप मजहब की बुनियाद पे चलाना चाहेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये तजुर्बा खुद पाकिस्तान वालों ने देख लिया कि अगर सो होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। बांग्लादेश क्यों बना? एक ही सब मुसलमान थे, एक ही अल्लाह को मानने वाले थे, एक ही कुरान को, एक नबी को, पैगम्बर को मानने वाले थे, क्यों बटे? लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से। तो वो बॉन्डिंग फोर्सेस को अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे, एक रंग में रंगने की कोशिश जहां भी होगी वहां इंतशार पैदा होगा, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। इसलिए जो सतरंगी है, जो एक हमारा पूरा एक कोलाज है अलग अलग कल्चर्स का, वही कल्चर जो मल्टी कल्चरलिज्म है, जो पोलरिस्टिक कैरेक्टर है अपने मुल्क का, उसको बरकरार रखना, वो चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, उसका रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरेक्शन से बहुत ही ज़्यादा हम करीब आ सकते हैं। जैसे वीज़ा की बात की गई, वीज़ा के बारे में आपको उम्मीद ये की जा रही है कि वो कुछ रिलैक्स किए जाएंगे रूल्स को, भाई क्यों नहीं जा सकते? मैं मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहूँ तो एक ही शहर में जाऊँगा, कोई पाकिस्तानी बॉम्बे आए, हिंदुस्तान आए तो सिर्फ बॉम्बे जाएगा, वो दिल्ली नहीं जा सकता, ये समझ में नहीं आता। ये जो हमारे सरकारें हैं उन पर ये दबाव डालना पड़ेगा कि आप इस तरह की जो बेहुदा रूल्स हैं उसको ख़त्म कीजिए, लोगों को आपस में दिल से दिल को मिलने दीजिए, और आपकी पॉलिसीज अपनी बनानी है वो कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि ट्रेड ओपनिंग, ट्रेड से कितना फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ प्याज का दाम जो है वो आसमान छूता है, वहाँ सस्ते में प्याज मिलता है, हम ला सकते हैं, यहाँ से चीनी जा सकती है, यहाँ से बहुत कुछ जा सकता है। मैंने टीवी पर, अफसोस होता है कि पाकिस्तान के चैनल्स नहीं मिलता है, लेकिन एक बार मैं किसी फॉरेन कंट्री के होटल में बैठ के पाकिस्तान के चैनल देख रहा था, मुझे अफसोस हुआ और रोना आया कि बहुत सारे एरियाज में देखा कि दुकान पे रोटी के लिए लाइन लगी हुई है, रोटी खरीदने के लिए। अफसोस की बात है, कम से कम मेरे यहाँ तो शायद ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा होगा, एक दो पॉकेट्स ऐसे होंगे कि रोटी खरीदने के लिए लाइन है, वो भी राशनिंग की जा रही है, यानी एक आदमी को सिर्फ दो रोटी मिल सकती है या एक रोटी ले सकता है एक फैमिली। ये क्या हो रहा है? इतनी गुर्बत है, और उसके बाद ये लोग जो है वो पता नहीं कि किन चीज़ों के पीछे अपना रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दो किताबें जो आई हैं, खास करके मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी, लेकिन फिरोज साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बल्कि मैंने जब पाकिस्तान नामा पहले कॉलम देखा तो मैं समझा कि यार ये कोई पाकिस्तानी है, ये हर हफ्ते लिखता है, क्योंकि इतनी चीज़ें जानता कैसे है? पाकिस्तान की सड़कें, वहाँ साड़ी पहनने का तरीका, वहाँ जो है वहाँ के हिंदू क्या खाते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ ज़िंदगी के अलग अलग मसाइल हैं, इसके बारे में कौन आदमी है जो पता लगा था? ज़रूर कोई पाकिस्तानी होगा। जब पहली बार मिला तो मैंने कहा कि अच्छा, आप ही फिरोज अशरफ से पाकिस्तान से कुछ ताल्लुक है आपका क्या? कहा नहीं यार, मैं बिहार का हूँ और यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ के लिखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इनकी बेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी कम उम्र में इन्होंने नावल लिख दी। मैं पता नहीं कितने सालों से एक किताब अंदर छुपाए बैठा हूँ, अब पता नहीं आप लोग दुआ करें कब आएगी, मुझे समझ में नहीं आता। शायद वो एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है इसलिए मौका मिल गया, उनके भाई हैं उनको पता होगा, वो जर्नलिस्ट हैं, किताब लिखना एक जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है, तो और वो भी नावल लिखा इन्होंने। आई एम रियली सरप्राइज एंड क्वाइट हैप्पी फॉर दैट आई थिंक इट्स फर्स्ट बुक एंड शी हैज बिगन विद द नावल
and I hope her next book will be better than this book, and all my best wishes for both father and daughter, and thank you very much. सफिया नियाज साहिबा से कि वो आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें. अभी वीज़ा के प्रॉब्लम के ताल्लुक से बात हो रही थी, तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट और राइटर, वो पूना उनको आना था, तो पूना के साथ उन्होंने बॉम्बे का वीज़ा मांगा था, लेकिन नहीं, उनसे कहा गया कि आपको पूना जाना है, पूना ही जा सकते हैं आप. तो हम यहाँ बॉम्बे के राइटर्स जर्नलिस्ट को उनसे मिलने के लिए पूना जाना पड़ा. तो ये इस सूरत हाल को बदलने की यकीनन ज़रूरत है. मोहतरमा नूरजहां सफिया नियाज़ है. सलाम अलैकुम, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग. मेरी पहचान थोड़ी गलत तरीके से हुई. मैं सटायरिस्ट नहीं हूँ, मैं दूर दूर तक लिटरेचर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मुस्लिम बहनों के साथ काम करती हूँ. फिरोज़ अंकल ने हमेशा कहते कि अंकल कहो. फिरोज़ अंकल ने कहा कि फरहाना की एक किताब है, उसको आप पढ़ो और उसका एक छोटा सा रिव्यू पेश करो. तो वो मैं आपके सामने बात करूंगी. शायद पैनल में कुछ और बातचीत चल रही है, लेकिन मैं फरहाना की किताब के बारे में आपके सामने कुछ अपने इम्प्रेशंस और अपनी जो कुछ मैंने किताब पढ़ने के बाद समझा वो आपके सामने रखूंगी. ज़्यादा मैं फिक्शन पढ़ती नहीं हूँ, लिटरेचर से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद लगा कि ये तो फिक्शन है ही नहीं, ये तो हमारी हमारा इतिहास है, हमारे ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, और इतिहास तो कभी फिक्शन होता नहीं है. किताब पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि फरहाना का जो अपना तजुर्बा रहा है बयानों के दंगों के बाद का, उसका कहीं पर लिंकेज पार्टीशन के साथ वो जोड़ना चाह रही थी, जो कहीं पर छूटा है, और अपने जो खुद के अनुभव हुए हैं बयानों के वक्त में वो उसकी कहीं पर याद आती है. पूरी किताब अगर आप लेकर बैठे तो आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं. बहुत ही फ्लूइड है, बहुत नैरेटिव बहुत खूबसूरत है उसका. मैंने दो सिटिंग में उसको मैंने ख़त्म कर पाई थी. 168 पेजेस में एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक फैमिली जो इंडिया में रहती है, फिर उनका कैसे बंटवारा होता है, एक फैमिली पाकिस्तान चले जाती है, फिर वो कैसे अपनी वहाँ ज़िंदगी जीते हैं, और फिर कैसे उनकी लड़कियाँ बम्बई में मिलती है. 168 पेजेस में वो पूरा सफ़र वो तय कर पाती है. बहुत फास्ट पेस्ड है, अगर आप दो पेज छोड़ दें तो आप कहीं और पहुँच जाते हैं. तो बहुत ही कम लफ्ज़ों में और बहुत ही फ्लूडिटी से वो कुछ पेजेस उसमें मिसिंग थे, तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ नहीं पाई. बहुत ही आपका अटेंशन पकड़ के रखती है ये किताब, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते. ऐसे लगता है और क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगी, अब रुको का क्या होगा, अब अम्मो का क्या होगा. तो आपका इंटरेस्ट बांधे रखती है ये किताब. ये किताब पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि इसकी अच्छी एक फिल्म भी बन सकती है. इट लेंड्स इटसेल्फ टू अ गुड स्क्रीन प्ले. मतलब हर पेज पर जिस तरह के कैरेक्टर्स उभर के आते हैं, और जिस तरह से एक दूसरे से वो बातचीत करते हैं, और कैसा एक सीन क्रिएट होता है, वो जैसे आप पढ़ते हैं वैसा वो आपके सामने आते जाता है. तो ये एक और सारे कैरेक्टर्स बहुत पॉजिटिव है. एक जो बात मुझे अच्छी लगी कि नेगेटिविटी नहीं है, हालांकि पूरा बैकड्रॉप बहुत ही ट्रॉमेटिक एक हादसे पर है, एक पार्टीशन, एक बहुत बड़ा हादसा हमारी ज़िंदगियों में हुआ, लेकिन जो कैरेक्टर्स उसमें है, चाहे वो अम्मो का कैरेक्टर हो या उसकी अम्मी का हो या दोनों जो दोस्त हैं उनका हो, बहुत पॉजिटिविटी कैरेक्टर्स में है, और वो आपको छूती है. आपको आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप बहुत कोई भयानक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं. लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में पूरी नॉवेल लिखी गई है.
बहुत बार इस तरह की नॉवेल पढ़ते हैं या है या नॉन फिक्शन भी पढ़ते हैं तो लंबे लंबे जुमले होते हैं, लॉन्ग वाइंडिंग सेंटेंसेस होते हैं, तो कहीं पर लगता है छोड़ो यार अब नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आती चीज़ें, लेकिन ये इतने सिंपल लैंग्वेज में है तो ये एक्टिविस्ट को भी पढ़ने में आसान होता है, कोई कॉलेज की स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है मैं अपने 12 साल के बच्चे को भी ज़रूर दूंगी इसको पढ़ने, क्योंकि वेरी सिंपल एंड वेरी फ्लूइड एंड वेरी टचिंग, हर तबके के इंसान को, हर उम्र के इंसान को ये किताब छू सकती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स भी नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो भाषा में भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, बट इट्स सच अ नाइस फ्लूइड नॉन कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट विच हैज़ बीन सो ट्रोमैटिक। बहुत बार हम जब इतिहास की बात करते हैं, पार्टीशन की बात करते हैं, तो उसके हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, किताबें भी बहुत पढ़ी है कि पाकिस्तान में क्या हुआ और इंडिया में क्या हुआ, कितने लोग मरे और कौन जिम्मेदार था, जिन्ना जिम्मेदार था या नेहरू जिम्मेदार था, कौन, हिस्टोरिकल अकाउंट हमेशा हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे फिरोज अंकल ने भी कहा कि लोगों की जिंदगियों पर उसका क्या असर हुआ है, सो दिस बुक इज़ मोर अबाउट द पर्सनल जर्नी ऑफ ईच इंडियन हु वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। तो बैकड्रॉप हिस्टोरिकल है, एक हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर उसकी बात हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे तुम्हारे जैसे या बहुत ही जो साधारण लोग थे उसका इम्पैक्ट ये कहानी के जरिए दिख कर आता है। और कहीं पर टुवर्ड्स द एंड किताब जब ख़त्म होती है तब ऐसे सवाल मन में आता है कि क्यों हुआ ये पार्टीशन, ज़रूरत ही नहीं थी, ये हुआ क्यों और इसका इम्पैक्ट उस वक्त के लोगों पर हुआ, आज भी हो रहा है और आगे भी शायद होगा। तो इन ऑल जो एक पूरा एक्सपीरियंस है ये किताब पढ़ने का मेरे लिए ये एक नमूना है कि सिंप्लिसिटी, भाषा की सिंप्लिसिटी के ज़रिए, अपने ख्यालों की सिंप्लिसिटी के ज़रिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह सकते हैं और अपना तजुर्बा, अपने ख्यालात, अपने थॉट्स आप पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। फराना के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये नूरजहां सफिया नियाज साहिबा थी जिन्होंने फरहाना की किताब माय सॉइल माय सोल, जिस पर बहस होनी रह गई थी, तो एक अच्छा हिस्सा जो छूट गया था, अच्छा हुआ कि उन्होंने उसकी खूबियां हम पर गिनवा दी, अब और शौक बढ़ गया है इस किताब को पढ़ने का। तो ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर मेंबर हैं और सटायरिस्ट नहीं हैं, नूरजहां सफिया नियाज साहिबा, मैं करेक्ट कर लूँ, यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैंने कह दिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी जी से, डेंटल सर्जन हैं, शायरा भी हैं, दानिश्वर हैं, कि वो आएँ। और अच्छा, फिरोज अशरफ साहब कह रहे हैं कि ये बहुत पढ़ती हैं, यानी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मरवाएंगे मुझे, इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे बैठे हैं, मैं बिल्कुल भी अपनी औकात ही नहीं समझती हूँ कि मैं इस मंच पे आके बोल सकूँ दो शब्द भी, मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ और सारा कुछ आत्मसात करना चाहती हूँ जो भी ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता इन लोगों की बातें सुनने का, पर मुझे अगर बुलाया गया है तो मैं ज़रूर कुछ कहूँगी। मुझे एक्चुअली बुलाया था फरहाना की किताब के लिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हो गया जिसके पैनल के तहत मुझे बोलना है, तो मैं कुछ शब्द कहूँगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ इनिशियली, नाउ आई एम अ महाराष्ट्रियन बट आई बिलोंग टू राजस्थान, तो वहाँ पे जो टॉयलेट्स हुआ करते थे वो घर से बड़े दूर हुआ करते थे, तो घर से और टॉयलेट के बीच में एक बड़ा सा रेगिस्तान जैसा बड़ा डिस्टेंस हुआ करता था। और जब हमारे दादाजी निकलते थे बाहर, तो जब हम बहुत छोटे थे तो हमेशा सुना करते थे सुबह सुबह दादाजी पाकिस्तान जाते हैं, वो रोज़ ये कह के जाते थे मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये जो ज्योग्राफी और ये सब तो बहुत बाद में हमारी ज़िंदगी में आया कि ये पाकिस्तान नाम की कोई जगह है, लेकिन हमारे लिए तो टॉयलेट पाकिस्तान होता था कि ये पाकिस्तान जाते हैं रोज़ सुबह और वापस आ जाते हैं। तो ये जब हम बड़े हुए, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पार्टीशन के बारे में पढ़ा, लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, कुछ दुख हुआ, कुछ उसको सब्जेक्ट की तरह हमने पढ़ा, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने एक बार, मुझे याद है कि अपने पिताजी से कहा था
क्योंकि उनके भी बातों में कई बार पाकिस्तान की तरफ एंगर नजर आता था. मेरे पापा साइंटिस्ट हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एंगर जैसे मैचों में होता है खास तौर पे, वो निकल के आता था गुस्सा, तो वो क्रिकेट से दूर होके देश पे चला जाता था. तो एक बार मुझे याद है मैंने भी गुस्से में अपने पापा से कहा था कि पापा आई वॉन्ट टू इनहेरिट वॉट एवर यू हैव बट आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टू इनहेरिट दिस एनिमोसिटी दैट यू हैव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टू इनहेरिट द एंगर द हेटरेट दैट माई एल्डर जनरेशन्स हैव हैड सिंस ईयर्स. तो पापा ने इस बात को हमेशा याद रखा और उसके बाद ज़्यादा हमारे कभी इंट्रैक्शंस नहीं हुए, लेकिन ये बात मुझे खास तौर पर याद है. इस सब्जेक्ट पे मैं सिर्फ पढ़ती रहती हूँ, लिखना बहुत कम है इसके बारे में. ज़्यादा जो भी मेरी जानकारी है वो फिरोज साहब के थ्रू है, क्योंकि ये हमेशा क्लिनिक में आते रहते हैं, हमारे काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं. मैं मज़हब में नहीं मानती, मैं रिचुअल्स में नहीं मानती, इसलिए उसके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं कह सकूँगी कि मुसलमानों का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो पढ़ के है, एक्सपीरियंस नहीं है ना हिंदुओं के बारे में ना मुसलमानों के बारे में, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी मेरे लाइफ से कि मज़हब क्या होता है या रिचुअल्स क्या होते हैं. आई डू नॉट बिलीव इन देम. बहरहाल जो मैं समझती हूँ कि एक जो कल्चर होता है और जो एक हेट्रेड होता है, ये सब चीज़ें इनहेरिट की जाती हैं. और अगर हम आज ये निश्चय करें कि हम ये आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर मैं अपने बच्चों से इस हेट्रेड के बारे में बात नहीं करूंगी तो वो आगे अपने बच्चों से इस हेट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग विच कैन बी कंटिन्यूड ओवर द जेनरेशंस, दैट्स अबाउट इट. क्योंकि ये जो रंजिशें हैं ये सत्ता की हैं, ये आवाम की नहीं है कहीं भी. और अगर आवाम चाहती है, आवाम सिर्फ एक हेल्दी एक्सचेंज चाहती है, आई एम श्योर हमारे बीच में अगर पाकिस्तानी लोगों को बिठा दें, बच्चों को बिठा दें, तो वो उतनी ही उत्सुकता से हमारे बारे में जानना चाहेंगे जितना कि मैं आज यहाँ बैठ के उनके बारे में जानना चाहती हूँ. तो इट इज़ वेरी सिंपल. वीज़ा के जो एक्सचेंजेस के बारे में साहब ने कहा वो बहुत ज़रूरी है, आज की तारीख की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए. बाकी म्यूज़िक आई फील इज़ अ ग्रेट फील्ड, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबको बांधता है. लिखना, जैसे फिरोज़ भाई ने पाकिस्तान के बारे में लिखा, काश कोई हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई लिखे जो हम पढ़ें और इन्जॉय करें. शायद आप जानते हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा पढ़ने बढ़ने के लिए. और एक छोटी सी बात कह के अपना मैं बंद करूँगी कहना कि मैं जब फिरोज़ भाई ने मुझे बताया तो मैं ब्लॉग्स पढ़ रही थी, क्योंकि मैं खुद ब्लॉग करती हूँ. मुझे मैंने एक पाकिस्तानी यंग लड़की है गज़ाला खान, उसका ब्लॉग पढ़ा, तो उसने भी कुछ यही कहा कि वो एक बार मैच देखने गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनल, और वहाँ पे भी दोनों जगह इंडिया और पाकिस्तान के, ये बाहर यूके में हो रहा था मैच. तो उसने जो नारे थे वो इस तरफ पाकिस्तानी नारे चल रहे थे और इस तरफ जो तादाद थी हिंदुस्तानियों की वो बहुत कम थी, तो उस तरफ नारे चल रहे थे. बाद में उन्होंने देखा कि कुछ जो दोस्त हैं वो इंडिया पाकिस्तान के, वो यूके में कई सालों से रह रहे हैं, तो उन्होंने मिक्स कर लिए. दे डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू टू ग्रुप्स इक्वली, नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज पाकिस्तानी एंड हु इज इंडियंस. दे डिसाइडेड वन ग्रुप विल सपोर्ट पाकिस्तान एंड वन ग्रुप विल सपोर्ट इंडिया, एंड हुएवर विंस द मैच they will go home and they will celebrate with a bottle of champagne, and that is what they did. And she has blogged about it, aur mujhe ye baat bahut pasand aayi. Aur jaate jaate Farhana, congratulations. main un khush naseebon se main se hu jo jisne manuscript padha tha Farhana ka, jab ye kitab chhapi bhi nahi thi, clinic mein baith ke patients nahi the us din, kamai kuch ho nahi rahi thi, to maine apna waqt bahut achhi tarah se bitaya Farhana ki kitab padh ke. और जैसे नूजा ने कहा, बहुत फ्लूइड लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है. मुझे भी डिक्शनरी लेके किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं चाहती हूँ एक बार किताब शुरू करूँ तो ख़त्म करके उठूँ, वो मैंने फराना की किताब के साथ किया. एडिटिंग एंड अ फ्यू मिस्टेक्स हियर एंड देयर दैट डेफिनेटली डू नॉट मैटर, बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ एंड उसका जो हार्ट है, उसके जो फीलिंग्स हैं उसमें किताब में, वो बहुत उभर कर सामने आते हैं. दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट. कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी जी. ख्वातीन हजरात, आपने देखा कि डॉक्टर शर्मिला जी जो ज़बान बोल रही थी और जो उनकी शख्सियत है, पुरकशिश शख्सियत, अगर इनको इस गज़ाला खान के नाम से भी यहाँ पे अगर पेश किया जाता तो सबको यकीन आ जाता. तो
हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, अगर ये पाकिस्तान में जाए तो इनको भी सर आंखों पर यकीनन बिठाया जाएगा और उनसे वहां उनका मजहब यकीनन नहीं पूछा जाएगा। हम सब इस बात के शाहिद हैं जो लोग पाकिस्तान गए हैं कि वहां किस तरह से हमारी आवभगत की जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत काम की उन्होंने बताई, वो पाकिस्तान जाने वाली बात, जो सुबह सवेरे लोग जाते हैं, हमारे यहाँ किसी मिनिस्टर को आप फोन कीजिए तो उनका पीए सुबह हो या शाम हो यही जवाब देता है कि साहब बाथरूम में है। उन तमाम मिनिस्टरों को ये फार्मूला मालूम हो जाए तो वो यही कहलवाएंगे अपने पीए से कि साहब पाकिस्तान गए थे। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मजहर कामरान साहब से, जो फिल्म मेकर हैं, दानिश्वर हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मजहर कामरान साहब। मैं फिल्म मेकर बट दानिश्वर हूँ ये मैं नहीं कह सकता अपने बारे में। मैं आया हूँ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप, ऑलवेज मच मोर सीनियर टू मी, आई द वे ही ट्रीट्स मी इज मोर लाइक अ फ्रेंड एंड ऑल्सो अ मेंटर। कई सालों से जानता हूँ, तो जब उन्होंने कहा कि इस तरह का बुक रिलीज है तो मुझे आना है, तो मैं आ गया, क्योंकि इनका इनकी बात सर आंखों पर, बिकॉज आई इमेंसली रिस्पेक्ट हिम, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स, और हम लोगों ने साथ में कुछ मीडिया में काम भी किया है। तो टॉपिक मुझे कहा गया था कि एक तो बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत, और जनरल टॉपिक फिल्म बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो बिकॉज अभी काफ़ी लोगों ने बात की अच्छी अच्छी और बहुत गहरी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग फिल्म में एक घंटे के बाद इंटरवल रखते हैं। उसका एक रीज़न है, रीज़न इज़ दैट ह्यूमन माइंड कैन ओनली ग्रास दैट मच, यू नो, उसके बाद फिर सब निकल जाता है। तो अब मैं बहुत मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ। तो फिल्म बियॉन्ड बॉर्डर्स में आई वॉन्ट टू से अबाउट फिल्म एंड बॉर्डर्स, द टू थिंग्स। फिल्म जो बन गया है, जो अभी जो रूप है जो फिल्म का, जैसे आपने कहा शाहरुख फारूक एंड ऑल दैट, दैट इज़ नॉट फिल्म, यू नो, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ अ टाइम दैट इतना अच्छा एक्सप्रेसिव मीडियम को रिड्यूस कर दिया इस तरह के फॉर्म में। और फिल्म बहुत ही पावरफुल मीडियम है, आई मीन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बॉर्डर्स इन फिल्म। आई मीन व्हेन मैं फिल्मों में आया इसीलिए क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें अपील करती हैं, जैसे फोटोग्राफी है, राइटिंग है, नॉवेल्स, लेकिन फिल्म में मुझे लगा कि ये ऐसा मीडियम है, आज का मीडियम है, और इसमें सारी चीज़ें एक साथ ऐसी आ गई हैं कि इट इज़ सो पावरफुल, यू नो, उसमें फोटोग्राफी भी है, लिटरेचर भी है, पोइट्री भी है, एवरीथिंग, यू नो, एंड इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी आई फील दैट उसका इतना मिसयूज़ हुआ है और इट्स बिकम अ लाफेबल थिंग, यू नो। सो दैट इज़ माई पर्सनल, अच्छा इसमें फिल्म में दो चीज़ें, आई मीन आई वॉन्ट टू गिव एज अ फिल्म मेकर वॉट आई कैन गिव यू टूडे, वॉट यू कैन टेक बैक इज हाउ यू लुक एट फिल्म एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टूडे, यू नो, इन ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स। वेरी ब्रीफली, फिल्म के दो एलिमेंट हैं, एक है विजुअल एस्पेक्ट उसका, दूसरा है स्टोरी टेलिंग, और दोनों बहुत पावरफुल हैं। विजुअल मुझे जो अट्रैक्ट किया, मतलब थ्रू विजुअल्स यू नो यू कैन इमिडिएटली ट्रांसेंड। अभी जैसे अशरफ साहब ने इतना अच्छा नरेशन दिया इनके पाकिस्तान विजिट का, मैं सामने विजुलाइज कर रहा था, जैसे जो पठान के एग्जाम्पल, अगर ये फिल्म यहाँ प्रोजेक्ट होती है इनके नज़रिए से, आई एम मतलब यू'ड हैव गॉन बैक 200 टाइम्स मोर कन्विंस्ड कि वॉट ही इज सेइंग, आई मीन विद ऑल रिस्पेक्ट, यू नो, बट यू'ड हैव सीन इट विथ योर आइज, इट इज़ लाइक यू आर देयर, यू नो, फिल्म का ये विजुअल एस्पेक्ट जो है, सो दिस इज वॉट कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, यू नो दैट, के अलग अलग रीजन से जब, और यही मेरा होप था व्हेन आई टुक अप फिल्म्स, बिकॉज हमने पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखा, जापान का भी सिनेमा देखा, फ्रांस का भी सिनेमा देखा, तो जो ह्यूमैनिटी है एक, यू नो, इन माई कॉलेज डेज, मतलब इट वॉज डायरेक्ट, मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप आँखों से देख रहे हो, इससे डायरेक्ट और क्या होगा। तो ये बात को अगर हम यूज़ करें फिल्म में, तो इट कैन डेफिनेटली नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, इट कैन यूनाइट द वर्ल्ड, यू नो। So that is what I want to say about films. And about borders, borders are very porous as far as culture is concerned, you know. There are no borders. There are no visas required. You know, culture has this unique way of just jumping across, you know. Uske liye koi process nahi. So wo walls, matlab, and you cannot erect these walls, and this will happen. I mean, maybe in 100 years or something, ye sab
these borders will start becoming meaningless. Like Europe came together, you know. That is our vision, that, you know, the subcontinent also is together, which is the way it was. Some politics divided it. So that is what I want to say. And coming to the, I'll give you two examples of Pakistan ki achhi film mein, jo unfortunately, maine kaha, humare tragedy hai ke we are the largest filmmaking nation and we turn out trash, you know. It's, we should accept it. Just because we are the largest filmmaking nation, but we are not doing quality work, bahut kam quality ho raha hai. And ye irony hai, matlab, reality is always ironical na, matlab, bahut straightforward kuch nahi hota. Pakistan se mujhe do aisi filmein dekhne ko mili hain jo India mein banana mushkil hai, matlab hairat hoti hai ke aap soch nahi sakte jo hamara image hai Pakistan ka ke wahan pe aisi film ban sakti hai. Hum log nahi bana payenge, aaj main koshish karu nahi bana sakta. Do film hai Khuda ke liye aur Bol. I hats off, matlab maine Khuda ke liye dekha, aapne dekhi hogi kuch logon ne, agar nahi dekhi hai to these two films you must watch, so it will change your idea about, you know. So how it is possible we don't know, but reality is always surprising. To Bol, Khuda ke liye shayad haan, Khuda ke liye logon ne dekha hai, wo terrorism ke backdrop pe thi, bahut powerful film thi. Do bhaiyon ko dikhaya hai, Pakistani director hai Shoaib Mansoor. दो भाई जैसे कैसे एक फंडामेंटलिज्म की तरफ चला जाता है, और जे जो प्रोग्रेसिव लिबरल जिसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ही गेट्स ट्रैप्ड एज अ सस्पेक्ट इन यूएस एज अ टेररिज्म सस्पेक्ट, एंड फुल ऑफ आयरनीज एंड द कॉन्ट्रास्ट एंड वेरी वेल नरेटेड पूरी कहानी. एंड आई थॉट आफ्टर दिस ये और क्या करेगा, एंड बोल जैसी फिल्म बनाई उसने, अमेजिंग. I mean, I have no words to say. I think it's the best film I've seen in years. Because, why? I see a lot of world cinema, Hollywood, you. Why I say best film I've seen? Because that reality is also India. You can straight away put it in India, you know. Jo reality wahan ki dikha hai, thoda sa change karna padega. So, isliye I connect with it. And in a very personal way, I feel it's the greatest film I've seen in many years. Kyunki usme usne ek aisi cheez pe haath rakha aur itni khubsurti se usko कैरी किया है. इट्स अमेजिंग, इट्स अ मस्ट वॉच. और कोई स्टीरियोटाइप्स लेकर नहीं चलता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज नरेशन. ही शोज अ वेरी टिपिकल, यू नो, प्यूरिटैनिकल ऑर्थोडॉक्स फादर हु हैज दिस डिजायर टू गेट अ सन एंड ही कीप्स गेटिंग डॉटर्स. इस तरह का एक रिडिकुलस नैरेटिव है, लेकिन बहुत अच्छे से ले गया वो. और जो मैसी और हॉरिफिक और ब्रूटल एंड होता है उसका, कि हाउ उसमें वो प्रीच नहीं करता कि ये इस तरह के लोग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन ही उसको ख़त्म कर देते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, ऑफ स्टोरी टेलिंग, के इस तरह के पर्सन, इस तरह के कैरेक्टर्स, द कॉन्ट्रडिक्शन उसमें इतने ज़्यादा उतनी खूबसूरती से ले आता है कि वो यू कैन सी दैट how he suffers from his own thing, you know, which is much better than preaching directly. So these are two examples of film which speak volumes about that region. And then I read Farhana's book. I must say it's a wonderful subject that she has taken and treated it very well. Isme main wahi kehna cha raha hu, jaise maine kaha to film ke do hisse hote hain, ek to visual aspect hai, दूसरा है स्टोरी टेलिंग. एंड स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंस तो हर पढ़ने लिखने वाले को पता है, आई डोंट हैव टू से. टू मी इट सिंपली मीन्स दैट आई लाइक दैट स्टेटमेंट दैट वी आर द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स. यू नो, स्टोरीज को मामूली मत समझिए कि ये कहानी किस्सा है. तो इट्स नॉट अ, जैसे कहते हैं ना, कहानी किस्सा है, इट्स नथिंग, इट्स मच बिगर देन दैट. यू नो, स्टोरी का, वी आर द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स. तो हम लोग तो अब दैट इज वॉट द फिल्म कंबाइंस, दैट स्टोरी एंड द विजुअल, टू पावरफुल थिंग्स कमिंग टुगेदर, यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट. सो कमिंग टू द स्टोरी दैट शी हैज़ बीन टेलिंग इन हर फर्स्ट वर्क, आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट, क्योंकि दैट इज द ट्रू वर्क ऑफ फिक्शन. आई फील वॉट शी हैज़ डन, के पूरा एक कहानी नरेट की. दो फ्रेंड्स हैं, दे आर मोर लाइक सिस्टर्स आई फील,
although they, one is a Hindu and one is a Muslim, but the way they have grown up together and culturally itne similar hai, matlab unke memories are common. So that is what, you know, sister means you share common memories, common experiences and that emotional bond. And they get separated and through that partition and later come together, a brief encounter at the end. Now what I feel, what I'm saying is a true work of fiction is, I mean, what can film do, you know, or storytelling do? It cannot change. Wo to politicians ka kaam hai, and they are doing it very badly, as we know. But films cannot do that. They can just change a certain shift, you know, in the way we look at things. That I feel is a true job of fiction. Ki hum ek cheez ko ek nazar se dekh rahe hain aur usme koi change aa jaye. And very briefly, to give an example from this book, I think it wo ek the word Pakistani, you know, wo dekhne ka nazariya thoda sa shift karti hai book. Jaise Ashraf sahab bhi, you know, basically what Ashraf sahab is meaning that we are all human beings and, you know, having the similar problems like of survival, and ye sab zyada immediate problems hai compared to what we are being told as the religious problems, and they are not the real problems. And in the book also she has done that beautifully, that when you take this journey of this character Amina, who goes from here to that new nation which she didn't want because she was too young to question it, and when she comes back, the perception here of what a Pakistani is, you know, has formed. तो वो लेबल जो है ना उसको एकदम से वो इल्यूमिनेट कर देता है कि इज दिस व्हाट बीइंग अ पाकिस्तानी मींस टू मी. आई रेड द स्टोरी लाइक दैट, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग. आई मीन इट कुड बी लाइक हाउ इन जर्मनी अ टर्क इज परसीव्ड, और यू नो आवर इंडियन इज परसीव्ड इन सऊदी अरेबिया, एंड ऑल दीज लेबल्स दैट वी हैव. सो आर व्हाट डू दे टेल अस, यू नो. तो उसी लाइट में मैंने इसको देखा कि इट इज काइंड ऑफ, you know, all the prejudices and these notions which kind of confine a person, and we look through that glass, you know, that, I mean, how wrong that is, you know, because you have to remove that glass and look. So that's what I feel the book does, and it does it wonderfully. So that's it, I'll conclude this. Thank you. Pakistan ki ek inqilabi film Bol ka zikr kiya, jisme पाकिस्तान की मजहबी और समाजी जो ढांचा है उसके खिलाफ वो फिल्म बनाई गई है, और उसमें पाई जाने वाली जो मुनाफिकतें हैं हमारे समाज में, हमारी फैमिलीज में, उसके खिलाफ उन्होंने परचम बुलंद किया. और आपको ये जानकर हैरत होगी कि खुद पाकिस्तानी फैमिलीज में पाई जाने वाली रिवायतों के खिलाफ बनाई हुई इतनी बोल्ड फिल्म पाकिस्तान में इतनी चली है कि उसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पाकिस्तान में इससे पहले जो है माई नेम इज़ खान का नंबर वन बिजनेस था, अब वो रिकॉर्ड जो है वो बोल के हिस्से में आया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मुफीद बातें हमसे शेयर करने का. अब मैं आज के हमारे आखिरी मुकर्रर सरफराज आरजू साहब, जो हिंदुस्तान के मुदीर और मालिक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएँ. शुरू हुई थी फिरोज़ अशरफ साहब की किताब से, और इसके इजरा की तकरीब में आने का दावत नामा मुझे दिया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो बातें हो रही हैं और जिस तरह ये डेवलप हो रही है महफिल, उसे लगता है कि इसका कैनवास जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है. और इसलिए भी शायद फैल गया कि खुद फिरोज़ अशरफ साहब की किताब का कैनवास भी बहुत फैला हुआ है. 25 साल से वो पाकिस्तान पर एक बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, और आज जब हम उनके वो कॉलम पढ़ते हैं और उनकी वो तहरीरें पढ़ते हैं, तो हमें मुझे कम से कम इस बात का एहसास होता है कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला. 25 साल पहले के वाक़यात का मैं ज़िक्र करूं, और जो बातें उन्होंने इसमें तहरीर की हैं, और मैं आज के तनाजुर में अगर उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी मुमासलतें हैं उसमें कि समझ में नहीं आता कि वक्त ठहर गया है या बात जो है वो आगे बढ़ी ही नहीं है कहीं.
एक जगह जिक्र है उनकी किताब में कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है तिजारत को जो है फ़रोग दिया जाए, और महबूबुल हक साहब जो कि उस वक्त वहाँ के वज़ीर मालियात हुआ करते थे, वो इस चीज़ को जो है प्रमोट करना चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात को अगर मुस्तहकम करना है, इस्तवार करना है, तो हम दोनों ममालिक के दरमियान जो है तिजारत होनी चाहिए। उस वक्त भी जो अप्रिहेंशन थे पाकिस्तान में कि अगर हिंदुस्तान के माल को, हिंदुस्तान की अशिया को जो है पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई, तो पाकिस्तान की अपनी जो सनतें हैं और पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन पर हावी हो जाएंगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन महबूब अल्लाह साहब ने उस वक्त ये वजाहत की थी कि हमने 145 अशिया के लिस्ट जो है इंडिया को दी है कि इन 145 आइटम्स की जो है हम तिजारत करेंगे, पाकिस्तानी सनतकारों को, पाकिस्तानी ताजिरों को किसी तरह भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कि हमने अपनी 145 की लिस्ट जो है दे दी है, इंडिया की जानिब से जो अशिया जिनमें तिजारत हो सकती है उसकी लिस्ट के आने का इंतज़ार है, वो इंतज़ार मैं समझता हूँ आज भी ख़त्म नहीं हुआ, और आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने की बातें होती हैं, सहूलियात देने की बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बात आगे नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान की जो तिजारत उसके पड़ोसी ममालिक के साथ होनी चाहिए, हिंदुस्तान की जो तिजारत उसके पड़ोसी ममालिक के साथ होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने सामने दुनिया भर के एग्जाम्पल्स रखें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, सब लोग तो यूरोप की बात करते हैं, आसियान की कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं और उनके यहाँ खुशहाली का दरवाज़ा किस तरह खुलता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये काम जो है सार्क को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हम वो काम नहीं कर सके। फिर नाकामियों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त जो है वो इस किताब से जो है झलकती हुई नज़र आती है। और मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी सही मानों में दोस्ती कायम हो भी सकती है या नहीं। ये रेलवे की ऐसी दो पटरियाँ हैं जो साथ साथ तो चल रही हैं लेकिन कभी एक जगह मिलती नहीं है, और उसकी वजह मेरी समझ में जो आती है वो ये है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला जो है सिर्फ इन दोनों ममालिक के दरमियान का मामला नहीं रहा, इसके डायमेंशंस जो हैं बहुत बढ़ गए हैं, और इसके खतरात जो हैं और इससे जो पैदा होने वाले खतरात जो हैं उनमें जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वीज़ा का रिजीम जो है उसको जो है आसान कर दिया जाए, हम लोग बहुत आसानी से ये बात भूल जाते हैं कि ना हमें पाकिस्तानियों पर एतमाद है ना पाकिस्तानियों का हम पर एतमाद है। हम वीज़ा क्यों नहीं जारी करते आसानी से? इंडियन एजेंसीज़ को इस बात का हमेशा ख़तरा लाहक रहता है कि पाकिस्तान इस वीज़ा की रियायत के साथ जो है अपने एजेंटों को जो है हिंदुस्तान भेज देगा, और हमें पाकिस्तान को इस बात का ख़तरा रहता है कि रॉ के लोग जो हैं वो भेस बदल के और ताजिरों के और सहाफ़ियों के और इनके रूप में जो है पाकिस्तान में घुस जाएंगे और वहाँ के जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जब तक ये बदएतमादी की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक हम लोगों के दरमियान जो है सफ़र जो है उसका जो है अगला कदम जो है नहीं आता। इतनी बातें हो रही थी, परसों की खबर है एक हफ्ते पहले की, कि सियाचिन के मामले पर हिंदू और पाकिस्तान के दरमियान जो है गुफ्तगू शुरू हुई। गुफ्तगू शुरू होने की बात जो है कई महीनों से जारी थी, और इस बात का पूरा इम्कान था कि अब की बार जो है कम से कम थोड़े बहुत जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं उनमें उन पर तो थोड़ी बहुत तवज्जो दी जा सकेगी। सर क्रीक का मसला है उस पर कुछ हो सकता है, कुछ हल निकाला जा सकता है। सियाचिन का मसला है उसका कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन गुफ्तगू शुरू होने के चार रोज़ पहले से हिंदुस्तानी अखबारों में ये खबरें आने लगीं कि ये गुफ्तगू जो है फजूल है, इसको होना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान जो है अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है, पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान सियाचिन से जो है अपनी फौजें हटाएगा नहीं, उस वक्त तक नहीं हटाएगा जब तक कोई वेरीफाइएबल कोई समझौता ना हो जाए कि पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें हटा ली हैं। ये ना हो कि हम अपनी फौजें हटा लें और पाकिस्तान भी अपनी फौजें हटा लें और छः महीने बाद जो है कारगिल की तरह का फिर कोई वाकया हो और पाकिस्तान उन हाइट्स पर पहुँच जाए जहाँ पर हिंदुस्तान को जिन्होंने वैकेट किया है। इस किस्म की बातें जब होती हैं तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो कठपुतलियाँ हैं, फैसले करने की ताकत हम लोगों के अंदर नहीं है, हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हमारे दरमियान जो है सबसे आसानी से जो बात की जाती है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहुत
मोहब्बत रखते हैं, बहुत मेल खाते हैं, हमारे और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, उनके यहाँ हिंदी सिखाई जा रही है, हमारे यहाँ उर्दू सिखाई जा रही है, उनके यहाँ महाभारत की बातें होती हैं, हमारे यहाँ जो है कुरान शरीफ पर तहरीरें होती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और हम जाते हैं तो बहुत तपाक के साथ हमसे मुलाकातें की जाती हैं, वो आते हैं तो हम भी उसी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं, प्रेस के डेलीगेशन यहाँ आते हैं, प्रेस के डेलीगेशन वहाँ जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरा जो मजमूई मंजर है उसमें रत्ती बराबर फ़र्क पैदा नहीं कर पाती। और इस बात को मैं मायूसी के साथ नहीं कहता, मैं ये नहीं सोच के चल रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है ऐसी ही रहेगी, ये सिचुएशन बरकरार रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं ये बात सोचता हूँ तो इस उम्मीद के साथ सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो अपने वसीतर मफाद को जो है मद्देनज़र रखेंगे और गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर जो है अपनी पॉलिसियों के फैसले नहीं करेंगे। हमने पिछले 10 साल में अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बनाया है, अपने दुश्मनों से नए दुश्मन पैदा किए हैं। मैं अफगानिस्तान के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ, मैं इराक के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता था कि अफगानिस्तान से हमारी रिवायती दोस्ती रही है, लेकिन हमने जब भी अफगानिस्तान पर किसी किस्म की परेशानी आई है और जब भी उसको गैर मुल्की हमलों का जो है सामना करना पड़ा है, तो हमारा जो गांधियाई फ़लसफ़ा है वो तो इस बात का तकाजा करता है कि हम आवाम का साथ दें, हम जो है गासिबों का साथ न दें, हम जो है जो बमबारियाँ कर रहे हैं, जो वहाँ पर डेजी कटर्स बरसा रहे हैं, उन लोगों को जो है रोकें, लेकिन हमने उसका उल्टा किया, हमने उनको जो है प्रमोट किया, हमने उनको जो है आवाम की ख्वाहिशात को जो है दबाने की कोशिश की। एक अच्छी खबर जो है पिछले हफ्ते जो आई थी वो ये थी कि तालिबान ने इस बात की तारीफ की, हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने अमेरिका के दबाव में आकर जो है अफगानिस्तान में अपनी फौजें जो है लगाने से जो है इनकार किया। ये एक बहुत छोटी सी खबर थी, लोगों ने उसको अहमियत नहीं दी, लेकिन पहली बार पिछले जब से अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला हुआ है उसके बाद पहली बार एक पॉजिटिव तालिबान के ताल्लुक से जो है न्यूज़ आइटम अखबारों में आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने जो है अमेरिका के दबाव को कबूल करने से यहाँ पर इनकार किया। मैं जानता था कि इसकी वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं क्योंकि उसके रेमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने उसको रेजिस्ट किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये उस जानिब एक कदम है कि जहाँ हम अपने पड़ोस में उस माहौल को जो है तैयार करें जैसा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए, एक अवामी जो वो होती हैं एस्पिरेशंस होती हैं उनके मुताबिक जो है सरकारें काम करें और उनको जो है मद्देनज़र रख के अपने फैसले करें और अपनी पॉलिसियां तैयार करें। तो मैं आज की इस तकरीब में बातें तो बहुत सी कहना चाहता था। फिरोज़ अशरफ साहब की किताब पढ़ने के बाद, जिसको कहते हैं कभी कभी कि 14 तबक रोशन हो गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें नज़र आईं, कुछ ऐसे इंसाइट्स दिखे जो कभी कभी लगता है कि हमारे और उनके दरमियान कोई फ़र्क है ही नहीं। एक बहुत पहले का उन्होंने जिक्र किया इफ्तार पार्टियों का, रमज़ान में पाकिस्तान में जो इफ्तार पार्टियां हुआ करती हैं उसका एक नक्शा खींचा और उसमें उन्होंने वो जो बातें बयान की हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की इफ्तार पार्टी के लिए जो मैं शिरकत के लिए और उसमें जो है दावत हासिल करने के लिए क्या वहाँ पे लोग तगो दो करते हैं, क्या भाग दौड़ करते हैं, और उनकी जो सारी की सारी कोशिश होती है वो सिर्फ ये होती है कि बेनज़ीर भुट्टो के सामने जो है वो एक लम्हे के लिए भी चले आएँ तो शायद उनकी पीपल्स पार्टी में जो उनकी हायरार्की में जो है उनका जो स्टेटस बढ़ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि अगर बेनज़ीर भुट्टो की जगह सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी होती तो कोई चीज़ उसमें रत्ती बराबर बदली नहीं होती, वही भागदौड़ यहाँ होती है, वही भागदौड़ वहाँ होती है, वही इन लोगों के एस्पिरेशंस की एक बार सोनिया गांधी की नज़र करम उन पर हो तो वो जो है उनकी जो है लाइफ बन जाए। ये मामला। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे सैलाब आया था सिंध में, 12 साल पहले की बात है शायद, और उस सिंध के सैलाब में जो है वो बहुत तबाही हुई, कराची में भी जो है बहुत तबाही हुई। तो वहाँ पे महमूद शाम नाम के जर्नलिस्ट हैं बहुत मशहूर, उन्होंने जो है कहा कि बारिश बम्बई में भी होती है, बारिश कराची में भी होती है, लेकिन बम्बई में 300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तब भी जो है वहाँ पे ज़िंदगी जो है
मुतासर नहीं होती, और हमारे यहाँ 80 मिलीमीटर बारिश होती है तो हमारी सारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। इसके माने ये हैं कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है अपना काम बहुत बखूबी अंजाम दे रही है। तो मैंने कहा कि ये जो है, ये तासुर जो है, ये दूर से बैठा हुआ आदमी ही जो है कायम कर सकता है। हम लोग जो भुगत रहे हैं यहाँ पर और जो हम लोगों की हालत है वो जो है वो बिल्कुल उसके बिल्कुल बरक्स है। फिर एक बहुत प्यारी सी बात, उनकी एक जगह तहरीर थी, पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं गौरी, शाहीन, हतफ वगैरह वगैरह, सीरीज है उनकी मिसाइल्स की जैसे हमारे यहाँ हैं। तो गौरी मिसाइल जो है वो एक मुसलमान सुल्तान गौरी हुआ करते थे दिल्ली पर, हाँ मोहम्मद गौरी, उनसे मंसूब थे। गौरी साहब का मज़ार जो है पंजाब के ज़िला कोट में किसी छोटे से गांव में बिल्कुल यानी अनयूज्ड हालत में, बिल्कुल खस्ता हालत में पड़ा हुआ था। और जब पाकिस्तान ने पहली बार गौरी का तजर्बा किया तो उस सुल्तान की का जो मज़ार था उसको रेनोवेट किया गया, उस पर जो है उर्स का सिलसिला शुरू हुआ, यानी जो हमारे यहाँ मज़ार बाबाओं के यहाँ जो चीज़ होती है तो वो सुल्तान गौरी के लिए जो है वो स्टेटस हासिल हो गया उनको। और अचानक यानी ये जिसको कहते हैं ना आनन फानन, रातों रात जो है उनका स्टेटस तब्दील हो गया और एक सुल्तान जो था वो सुल्तान से जो है पीर बन गया बाबा के। मैंने कहा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें तो हमारे यहाँ भी होती हैं और हम लोग जो है इन मामलों में जो है किसी तरह उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं, हम लोग जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं शायद। तो ये फिरोज़ अशरफ साहब का कमाल है कि उन्होंने एक बहुत वसी कैनवास हमारे सामने पेश किया। बहुत सी बातें ऐसी हैं तो जो चंद मेरे जहन में महफूज रह गई थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। एक कमी मुझे खली सिर्फ वो ये कि आपने 2001 सितंबर के बाद से जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं उस पर जो है इसमें बहुत कम मैटर है, क्योंकि गेम चेंजर जो है इंडिया पाकिस्तान और इस पूरे इलाके में जो वाक़यात जो हैं वो जो है उसके बाद ही से सिलसिला शुरू हुआ है। पता नहीं आपके, आपने जगह अपनी माजूरी का इजहार किया है कि मेरे बहुत से कॉलम जो हैं महफूज नहीं रह सके, उनको यहाँ से वहाँ आपको घर के तब्दील करने में जो है वो शायद ज़ाया हो गई या मेंटेन नहीं कर सके। हो सकता है आइंदा कभी इनकी जो किताब आएगी उसमें उन चीज़ों का जिक्र होगा, क्योंकि ये जो रीसेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इनका आखिरी कॉलम भी 2010 का है शायद, तो ये जो रीसेंट हिस्ट्री है इसके बारे में जो है हम लोग और ज़्यादा जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये खुदकश बम्बार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। एक ही जगह आपने सिर्फ हवाला दिया है कि इन लोगों के खिलाफ फतवे जो हैं वो सरकार के मिनिस्टर्स के जिसको कहते हैं ना प्रोमोट करने पे और पुश करने पर जो है वहाँ के उलमा ने जो है फतवे जारी किए कि खुदकुश धमाके करना जो है गैर इस्लामी है। और ये कि एक जगह तो ये तक था कि उनके जनाजे में शिरकत करना भी जो है वो जायज़ नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन आपने वो सवाल खुद खड़ा किया और उसका जवाब नहीं दिया और यही कह के रुक गए, यही कह के रुक गए कि पाकिस्तानी उलमा का जो है पाकिस्तान के अवाम पर जो है कोई कंट्रोल नहीं है या उनका कोई असर नहीं है। तो ये तमाम बातें जब मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि जब हम हिंदो पाक के दरमियान जैसे आज का डिस्कशन है कि अपनी सरहदों को हम कैसे उबूर करें, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग बहुत सी बातें जो हैं इधर उधर से दामन बचा के गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो ये है कि हम लोग मसले कश्मीर को जो है हमेशा जिसको कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं, उस पर बोल्ड इनिशिएटिव्स लेने की बात नहीं करते। और ये बात बिल्कुल तय है कि जब तक इस मामले पर जो है पहल नहीं होगी तो आप लाख फिल्में बना लें, आप लाख दावतें दे लें, आप चाहे यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से हज़ारों लोगों को यहाँ ले आएँ, कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं ज़िक्र करना और मुझे बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, और मुझे उसमें फिरोज़ अशरफ साहब के बिहारी होने का जो है का जो दर्द जो है वो बिल्कुल झलकता हुआ नज़र आया, वो मामला जो हम लोग आमतौर पर फरामोश कर चुके हैं वो है बांग्लादेश में फंसे हुए बिहारियों का, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन जिनको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। इन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि बेगम हसीना वाजिद और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इस मौजू पर जो है थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई भी थी, और ये कि
परवेज मुशर्रफ ने माजूरी का इजहार किया था कि मैं इन लोगों को नहीं ले सकता अपने मुल्क में। 2.5 लाख के लगभग उनका फिगर था, खानदान थे। उन्होंने कहा कि इसी नहीं ले सकता कि इनकी बाजाबाद कारी, इनके रिहैबिलिटेशन पर जो खर्च आएगा वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का था। 40 करोड़ रुपए उस पर खर्च आएगा, वो पाकिस्तान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम इनको नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दबाव पड़ने के बाद उन्होंने तकरीबन 1000 खानदानों को जो है वहाँ से मुंतकिल किया और पाकिस्तान लाकर जो है आबाद किया। लेकिन पाकिस्तान के जिस सूबे में उनको जो है लाकर बसाया गया तो वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस शुरू हो गया कि ये कैसे हो रहा है कि बिहारियों को यहाँ लाकर जो है बसाया जा रहा है और हम जो है इसको कबूल नहीं करेंगे और हम जो है हमारा जो यहाँ का डेमोग्राफिक स्टेटस है वो जो है बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि हम लोग उल्हासनगर कैसे बसा लेते हैं, हम लोग सिंधी कॉलोनी कैसे बसा लेते हैं, हम लोग कितने शहर इस तरह जो है हम लोगों ने आबाद किए हैं कि नकल मकानी के बाद और उसके बाद जो लोग आते हैं तो उनको जो है खुश दिली के साथ हम जो है कबूल करते हैं। लेकिन वहाँ जो है उनके साथ वो रवैया रवा नहीं रखा गया, उनको जो है अब भी जो है उनको जो है आउटसाइडर तसव्वुर किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो महाज तैयार किए जाते हैं और सरकार को अपनी पॉलिसियाँ बदलने पर जो है मजबूर किया जाता है। तो और एक जगह और चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आई, वो जुनेजो, मोहम्मद अली जुनेजो, मोहम्मद अली जुनेजो के दौरे इख्तदार की बात है। मोहम्मद अली जुनेजो के ज़माने में करप्शन के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान में जो है ये तकरीबन 22 साल पुरानी बात है, हाँ 86 की है शायद। तो वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक चली और जब करप्शन की बात हो रही थी वहाँ की तहरीक के बाद तो उसके जो पैरेलल्स हिंदुस्तान में थे वो एक लम्हे में जो है जहन में आने लगे मेरे के हिंदुस्तान में भी इस किस्म की बातें आज की तारीख में हो रही हैं और ये अन्ना हज़ारे की तहरीक क्या है और ये भारत बचाओ की तहरीक क्या है। और वो फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान कुछ मामलों में हिंदुस्तान से बहुत आगे है, करप्शन के मामले में भी आगे था। लेकिन ये कि उस करप्शन को रोकने के लिए भी उन लोगों ने जो है अपने एक महकमा कायम किया, अखबारात में इश्तहार दिए गए कि आप लोग रिश्वत क्यों देते हैं और ये कि आपको कौन सा महकमा ऐसा लगता है जहां सबसे ज़्यादा रिश्वत होती है और कि आपको सरकारी अफसरान जो है वो अय्याशी करते हुए नज़र आते हैं या उनकी आमदनी, उनके जो सरकारी नौकरियों पर जो फ़ायद हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए और उस करप्शन के उस अफरीद को जो है जेर करने के लिए जो है वहाँ पर बातें की जा रही थी। और मुझे लगा कि ये हिंदुस्तान से आज से 26 साल पहले ये ना, हम तो आज उस मकाम पे पहुँचे हैं और उस सवाल को जो है बड़ी सख्ती के साथ जो है निपटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान 26 सालों में भी वो नहीं कर सका। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान अगले 260 सालों में नहीं कर पाएगा। तो किताब बड़ी मज़ेदार है और रिसेंट हिस्ट्री जिसको कहते हैं, जर्नलिज्म तो है ही तारीख नवीसी का नाम, ज़रा जल्दबाजी में ये काम होता है लेकिन उस जल्दबाजी के बावजूद भी जो है फिरोज़ अशरफ साहब ने अपने उनवान के साथ जो है इंसाफ किया है। और आखिरी बात जो इस डिस्कशन के ताल्लुक से है ये कि हम लोग मायूस तो हैं लेकिन नाउमीद नहीं हैं।